Sehgal Inter College, Kanwakhera, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ और आज 7 मई को इन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और हम आज बात करेंगे कि यूपी की किन 10 सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है और वहां पे कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में थे, किन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इन प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर कंपेयर करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 10 सीटों पर मतदान प्रतिशत का क्या हाल रहा, बढ़ा है कि घटा है। तो बिना किसी देरी के सीधे ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो आज 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है जिन यूपी की, उसमें मतदान प्रतिशत का क्या हाल रहा और अगर पिछले 2 चरणों की हम बात करें तो आज क्या कुछ सुधार आया है उसमें सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि तीसरे चरण का आज मतदान संपन्न हो गया। 2 चरणों का अगर देखें उत्तर प्रदेश के, तो उसमें जो राजनीतिक दल थे उनमें चिंता की लकीरें जबरदस्त देखने को मिली। खासकर सत्ता पक्ष के जो लोग थे वो ये माना गया कि कोई लहर नहीं है, इस वजह से मतदान प्रतिशत काफ़ी कम हुआ। यही कारण है जब 2 चरणों के मतदान संपन्न हुए तो उसके बाद जब तीसरे और चौथे चरण की बारी आनी थी तो सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने मंच से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। उसका असर कुछ हद तक दिखाई दिया है, लेकिन 2019 की अगर तुलना करें तो फिलहाल उससे मतदान प्रतिशत अभी भी कम माना जा रहा है, क्योंकि 7 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है ये करीब करीब फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा है जब निर्वाचन आयोग के द्वारा उस तरीके से जो अधिकृत रूप से जानकारी देनी चाहिए वो फिलहाल देने में देरी भी हो रही है और सही ढंग से जो है मतदान प्रतिशत भी सामने नहीं आ रहा है। और तो और, 2 चरणों के मतदान प्रतिशत जो मतदान हुआ उसके काफ़ी समय के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा एक मतदान प्रतिशत जारी किया गया, वो अपने आप में बड़े सवाल भी खड़े कर रहा था, संदेह भी जता रहा था कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। जबकि पूरा चुनाव संपन्न हो जाता है और सारा रिकॉर्ड होता है, फिर आखिर ये देरी क्यों हुई, ये बड़े प्रश्न खड़े कर रहा था। लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है, इसमें अगर बात करें तो 10 सीटें थी लोकसभा की। इन 10 लोकसभा सीटों पर आज जो मतदान हुआ है वो 57.334% यानी 58% भी नहीं हो पाया है कुल मिलाकर के मतदान। अगर 2019 की तुलना करें तो 2019 की तुलना की अपेक्षा 3-4% अभी भी मतदान कम है, ये काफ़ी माना जाता है। इससे बहुत बड़ा फायदा भी किसी को हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की वो 10 लोकसभा सीटें कौन थी जिन पर आज चुनाव हुआ है, और चुनाव में आज थोड़ी झड़प भी हुई है क्योंकि कई प्रमुख दलों के पार्टियों के मुकाबले विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता मैदान में थे और वहाँ पर आज आपस में कई शिकायतें भी आई हैं। तो हम सबसे पहले आपको संभल का हाल बताते हैं। संभल लोकसभा सीट पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी बनाया था और सपा ने जियाउर रहमान बर्क को यहाँ पर उतारा था, जबकि बसपा जो है वो शौकत अली यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा ये कुल यहाँ 12 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में मतदाताओं ने कैद कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जो मतदान प्रतिशत आया है 7 बजे तक का, वो मतदान प्रतिशत है 62.81%। ये मतदान प्रतिशत यहाँ निकला है जो कि 2019 के मुकाबले ये 2% कम माना जा रहा है करीब।
तब हुआ था 64.73 प्रतिशत, यानी 7.3% यहाँ मतदान हुआ था। और 14 में हालांकि 14 के मुकाबले कुछ जरा सा ये ज़्यादा माना जाएगा। तो इस तरीके से संभल का हाल है। अब हम आपको हाथरस लेकर चलते हैं। हाथरस में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी से अनूप वाल्मीकि प्रत्याशी थे, तो सपा से जसवीर वाल्मीकि उतारे गए थे और बसपा ने हेम बाबू धनगर को यहाँ प्रत्याशी बनाया था। अब यहाँ का मतदान प्रतिशत जान लीजिए। यहाँ मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम कहा जाएगा, यानी काफ़ी कम कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं तो 61.76% ये 2019 का मतदान प्रतिशत था, जबकि 2024 में जब जाएंगे तो 55.36% से मतदान हुआ। तो ये औसत अगर देखें तो 6% कम है, कम हुआ। ये अपने आप में बड़ा बड़ा सवाल है। ये 2014 से भी कम है। 2014 के मुकाबले अगर बात करें तो उसके मुकाबले भी 4% यहाँ पर मतदान कम हुआ है। अब आपको आगरा लेकर चलते हैं और आगरा का हाल बताते हैं। आगरा में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी से SP सिंह बघेल, जो तमाम पार्टियों से होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, सपा के कभी हुआ करते थे, फिर बसपा में गए और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। इनके मुकाबले सपा और कांग्रेस गठबंधन ने सुरेश चंद्र कर्दम को प्रत्याशी बनाया और बसपा ने पूजा अरोही को उतारा। तो आगरा का हाल आपको बताते हैं। आगरा में भी कम मतदान हुआ है पिछली तुलना में। अगर देखें तो अगर 2024 की बात करें तो करीब 54% मतदान यहां पर हो रहा है, लेकिन 2019 की बात करते हैं तो 59.12%, जो 54% के मुकाबले यानी 5% कम मतदान हुआ है। तो इस तरीके से, और बात करें इससे पहले की 2014 की, उसके मुकाबले भी करीब 5% कम हुआ है। तो कुल मिलाकर कम मतदान अभी कहा जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अगर बात करें तो यहाँ पर 9 प्रत्याशी कुल मैदान में थे, जिनमें भाजपा से राजकुमार चाहर, कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार, बसपा से रामनिवास शर्मा, ये प्रत्याशी मैदान में थे मुख्य रूप से। और यहाँ पर भी मतदान प्रतिशत गत वर्षों की तुलना में कम कहा जाएगा, 57.09% यहाँ मतदान 2024 में हुआ है, जबकि 2019 में अगर बात करें तो 60.42% हुआ था और उस मुकाबले 3% मतदान कम है। लेकिन उससे पहले अगर 14 में जाएंगे तो 61.26%, उस हिसाब से जो है करीब 4% कम हुआ है मतदान। तो कुल मिलाकर अभी जो पिछले सालों का रिकॉर्ड था मतदान प्रतिशत का, उसको पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। और गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में चिंताएं भी बढ़ती जा रही होंगी राजनीतिक दलों की कि कैसे वो मतदान प्रतिशत को बढ़ा पाएंगे। और ये वो सीटें हैं जो 10 लोकसभा की सीटें, जिनमें आपको बता दें कई VIP लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और कई बड़े नेताओं के पुत्र भी चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं सीधे तौर पर बड़े नेता भी मैदान में हैं, फिर भी मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं इसके बाद जो फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद में यहाँ पर कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, और जिनमें से मुख्य जो प्रत्याशी हैं उनमें भाजपा ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को उतारा यहाँ पर है, और सपा ने अक्षय यादव जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं, और बसपा ने चौधरी बसीर को। यहाँ का आपको बताएं, यहाँ भी आपको मतदान प्रतिशत पिछले सालों के मुकाबले कम हुआ दिखाई देगा। सबसे खास बात यह 2024 में 58.22% यहाँ मतदान हुआ था, और 19 की बात करें तो 60.13% मतदान हुआ था। लेकिन जब हम 2014 में जाते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड बना था 67.49%। इसके मुकाबले अगर तुलना करें पिछले 19 में तो 2% करीब मतदान कम हुआ। लेकिन जब हम
14 में जाएंगे तो 14 में 9% का मतदान हुआ, जो अपने आप में बहुत कुछ इंगित कर रहा है और बहुत कुछ चिंताएं भी राजनीतिक दलों की बढ़ा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी। मैनपुरी इस बार काफ़ी चर्चित है। दरअसल मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, और जबकि उनका मुकाबला अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जो मौजूदा सांसद हैं उनसे हो रहा है। और बसपा ने यहाँ शिव प्रसाद यादव को उतार कर जो है मुकाबले को त्रिकोणी करने की कोशिश की। तो यहाँ का हाल आपको बताते हैं, जो मैनपुरी है, मैनपुरी में भी कम मतदान हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत चुनावी मैदान में हो, वहाँ की अगर बात करें तो 58.59 ये 2024 का जो है मतदान प्रतिशत है। हालांकि 2019 के मुकाबले यहाँ पर ये 2% के करीब ज़्यादा है। तब 2019 में 56.77 हुआ था, लेकिन 14 में अगर जाते हैं तो 14 में 61.33% मतदान हुआ, जो इस समय 3% करीब कम मतदान माना जाएगा। फिलहाल मैनपुरी के बाद आपको लेकर चलते हैं एटा। एटा में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें से मुख्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के राजवीर सिंह राजू, सभी जानते हैं कल्याण सिंह के बेटे हैं, और सपा से दिनेश शाह के चुनावी मैदान में हैं, जबकि बसपा से मोहम्मद इरफान यहां पर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एटा का हाल बता देते हैं मतदान प्रतिशत का। एटा का मतदान प्रतिशत काफ़ी निराशाजनक नहीं कहा जा सकता, चूँकि 59.17% 2024 में हुआ, जबकि 2019 की बात करें तो 61.70, यानी यहां पर करीब 1-2% के आसपास कम माना जाएगा, और ये 2014 के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। 14 में 59% मतदान नहीं हो पाया था, तो उसके मुकाबले कुछ हद तक ज़्यादा कहा जाएगा। अब आपको हम बदायूं लेकर चलेंगे और बदायूं का हाल बताएंगे। बदायूं इस बार काफ़ी चर्चा में रही, और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं कुल 11 मैदान में थे, जिनमें से दुर्विजय सिंह साग के भाजपा के और सपा के आदित्य यादव, आदित्य यादव जानी गए होंगे शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, और बसपा से मुस्लिम खां यहाँ पर उनसे मुकाबला कर रहे हैं। तो यहाँ का हाल बताते हैं, यहाँ पर 2024 में 54.05% मतदान हुआ, जबकि अगर बात करें 2019 की तो उसके मुकाबले 3% कम मतदान कहा जाएगा। उस समय 57.17% मतदान हुआ था, और अगर 2014 की बात करें तो 4% कम कहा जाएगा, क्योंकि तब 58.09% हुआ था मतदान। तो ये हाल हो गया बदायूं का। अब आपको आंवला लेकर चलते हैं। आंवला बदायूं जो बरेली से सटा हुआ है, तो आंवला में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनमें से भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप, सपा से नीरज मौर्य और बसपा से आबिद अली। तो आंवला की बात करते हैं तो आंवला में भी मतदान प्रतिशत पिछले सालों के मुकाबले में कम रहा है, और 57.08% 2024 में, और 2019 की बात करें 58.97%, यानी करीब 2% कम मतदान हुआ है। लेकिन जब जाएंगे 14 में तो 14 में ये घटकर यानी कि 3% का अंतर आ जाएगा कम मतदान का, तब 60.22% मतदान हुआ था। अब आपको बरेली का हाल बताते हैं। तो बरेली लोकसभा सीट पर जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेता संतोष गंगवार का टिकट काटकर और वहां पर छत्रपाल सिंह गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा था, भाजपा की ओर से कुल 13 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे, और सपा से प्रवीण सिंह एरन और बसपा का यहां पर पर्चा खारिज हो जाने से सीधी टक्कर दोनों के बीच में, और निर्णायक यहां पर आप जान सकते हैं बसपा का जो कोर मतदाता है खासकर दलित वो होगा, अब वो जिसको वोट कर देगा वही यहां पर सांसद बनेगा। तो ऐसे में बरेली का हाल बताते हैं, तीसरा प्रत्याशी ना होने
के चलते यहाँ पर मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत यहाँ पर 2024 में 57.88% हुआ है और 2019 में जाते हैं तो 59.43%, यानी करीब 2% के करीब आसपास मतदान कम हुआ है। लेकिन जब हम 2014 में जाते हैं तो 61.17, यानी उसके मुकाबले अगर देखते हैं तो 4% के आसपास कम मतदान हुआ है। तो ये पूरा जो है आपको 10 लोकसभा सीटों का हाल बता रहे हैं जिनका औसत मतदान है 57.34%, जो कम कहा जाएगा पिछले चुनाव की अपेक्षा। अब ये कम जो मतदान हुआ है वही बार बार मैं कह भी रहा हूँ कि ये किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये तो फिलहाल जब नतीजे सामने आएंगे 4 जून को तब ईवीएम से जो निकलेगा तभी पता चल सकेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं, खासकर सत्ता पार्टी की और विपक्षी दलों की, इसलिए कि आखिर मतदान प्रतिशत बढ़ क्यों नहीं रहा है। रिकॉर्ड जो बनना चाहिए लोगों में, सत्ता के विरोध में लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, या जो सत्ता के लोग हैं उनकी लहर क्यों नहीं चल रही। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मतदान जब हो चुका है उसके बाद जब नतीजे आएंगे उसी में पता चलेगा। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों का हाल हमने जाना, 2014 और 2019 की अपेक्षा 2024 की बात करें तो 6-6% मतदान कम हुआ है। दो फैक्टर माने जा रहे हैं, पहला जो माना जा रहा है अहम कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और लू चल रही है, वो भी एक अहम बात मानी जा सकती है जो निकल कर सामने आ रही। दूसरा, इन मतदान के आंकड़ों से सर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बार किसी की लहर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर पिछली हम दो चुनाव की बात करें तो मोदी लहर कहा जा रहा था और उसके नतीजे जब आए थे तो वो हमको चुनाव में देखने को भी मिले थे, तो इस बार कोई लहर भी नहीं देखने को ऐसी मिल रही है। और यह मतदाता हो सकता है नाराज भी हो तो घर से भी बाहर नहीं निकल रहे। और सबसे अहम बात हम फिर से इस बार कहेंगे, जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं वो फिर इस बार फिसड्डी साबित हुए। हम अगर बात कर लें आपकी बरेली की, जहां पर जिसे महानगर कहा जाता है और महानगरों में जो शिक्षित आबादी होती वो ज्यादा रहती है, वहां के प्रत्याशियों वहां के जो मतदाताओं ने निराश किया है, महज 57.88% मतदान हुआ है। अगर आगरा की बात करें, यह भी महानगर है, वहां भी 53.54% मतदान केवल हुआ है। तो शहरी मतदाताओं ने सर एक बार फिर से निराश किया है। संभल की बात करें तो सबसे अव्वल रहा इस बार तीसरे चरण के चुनाव में इन 10 सीटों में 62.81% मतदान हुआ है, जिसे 63% भी कह सकते हैं। और सबसे कम मतदान, जैसा कि हमने बताया कि सबसे कम मतदान अगर कहीं हुआ है तो आगरा हुआ है, करीब 54% मतदान। फिलहाल ये जो मतदान घटा है सर, ये जो सिटिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रत्याशियों के लिए भी चिंता की लकीरें खींच रही है। और साथ ही जो विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो भी हैरान इस बात को लेकर हैं, अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो उनके पक्ष में मतदान होता और अधिक होता। लेकिन अगर हम 2014-19 की बात करें तो दोनों बार से इस बार 2024 के मतदान जो है सर काफी कम कहा जा सकता है। 6-6% अगर मतदान घट रहा है तो कहीं नहीं कहीं लाखों जो वोटर्स हैं उनका सर अंतर आ जाता है। फिलहाल जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें कोई सुधार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आई इंडिया अपील करता है क्योंकि चौथे चरण में जो 13 मई को चुनाव होना है वो सीतापुर की लोकसभा सीट के लिए होना है, जिसमें से मिश्रिक लोकसभा सीट भी आती है, धौरहरा लोकसभा सीट भी आती है और सीतापुर लोकसभा सीट की। तो सीतापुर के मतदाताओं से आई इंडिया की अपील है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। और फिलहाल आई इंडिया पर सभी दर्शक बने रहें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। और जो इन 10 लोकसभा सीटें पर आज चुनाव संपन्न हुआ उसमें 100 प्रत्याशी मैदान में थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा और जो जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और हाँ आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।